शिवराज बोले कमलनाथ ने नहीं निभाए अपने वचन। कमलनाथ ने सीएम को अस्थिर दिमाग का बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वचन पत्र के एक भी वचन पूरे नहीं किए गए। अब मैं उनसे लगातार सवाल पूछूंगा। इस पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं होता। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कई फसलों का नाम लिखकर कहा था कि हम गेहूं, चना, सरसों या चावल हो सभी पर बोनस देंगे, लेकिन सवा साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? वहीं इस पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार कर ट्वीट किया कि सुना है शिवराज जी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाए। ऐसे सवाल कोई अस्थिर मति का व्यक्ति ही कर सकता है। मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित की योजनाओं पर अमल करना है। कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। सवा साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल ईएमएस।